ओम अनृत जीवन से श्रेय की ओर प्रथम परिच्छेद शीर्षक अंधकार और प्रकाश का युद्ध। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवद गीता। माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जन्मस्थान नाम संस्कार। संवत 1913 विक्रमी मास फागुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता उन दिनों रोजगार की तलाश में घर से बाहर गए हुए थे। पचनंद पंजाब प्रांत में जालंधर एक जिला है जो अपने मुख्य नगर के नाम से प्रसिद्ध है। जैनोक्ति यह है कि इस स्थान में जालंधर दैत्य भी ऐसा था कि जिसकी स्त्री पतिव्रता थी और उसी के प्रताप से जहाँ उसका रक्त गिरता वहाँ प्रतिबूंद एक जालंधर उत्पन्न हो जाता। मुरारी ने किस विधि से उसका वध किया इसके लिखने की जरूरत नहीं। फिर जालंधर में मांडलिक हिंदू राजे शासन करते रहे। मुसलमानों के समय में अदीना बेग यहाँ का हाकिम रहा और अंग्रेजों ने इसे जिला बना लिया। जिला जालंधर के पूर्वी कोने पर शतद्रु सतलुज नदी के किनारे तलवन एक उपनगर है, वही मेरी जन्मभूमि है। इसी समय जालंधर दुआब में 250 शहरों की गिनती हुआ करती थी। पूरा शहर तलवन, पूरा बिजवाड़ा और आधा हदियाबाद। अब ये तीनों स्थान केवल ग्राम की स्थिति में रह गए हैं। पुरानी कीर्ति के लिए उदारता और ब्याह शादियों की करतूत की बदौलत मेरे जन्म के समय भी इनका कुछ मान था। अब तो जब से नपित अर्थात नाऊ राजा के शासन से छुटकारा पाकर पुराने प्रसिद्ध कुलीन भी रिश्ते नाते देखभाल करने लगे हैं, तब से इन शहरों की करतूतों का चमत्कार भी मध्यम पड़ गया है। तलवन में मेरा जन्म हुआ और पाधा जी ने जन्म नाम बृहस्पति रखकर भी प्रसिद्ध नाम मुंशी राम रख दिया। मेरे तीन भाई थे तथा दो बहनें। मैं सब में सबसे छोटा अपनी माता की अंतिम संतान था। आयु के क्रमानुसार सब भाई बहनों के ये नाम थे। पहला सीताराम, दूसरा प्रेम देवी, तीसरा मूलाराम, चौथा द्रौपदी, पांचवा आत्माराम, छठा मुंशी राम। तत्ववेताओं ने दो प्रकार के संस्कार बताए हैं। पूर्व जन्म के संस्कार ही वर्तमान योनि के कारण होते हैं और उन्हीं के अनुसार बुरे व भले माता पिता भी मिलते हैं। उन माता पिता के गुणों अवगुणों का विशेष प्रभाव संतान पर पड़ता है। इनको पैतृक संस्कार कहते हैं। यद्यपि पैतृक संस्कार भी अपने पूर्व कर्मों के ही फल हैं, तथापि इन्हें अलग समझकर जीवन के बहुत से भेद खुल जाते हैं। इसलिए अपने कुल की कुछ विशेषताओं का यहाँ वर्णन करना असंगत ना होगा। जन्म तथा गुण कर्म दोनों के विचार से मेरा कुल क्षत्रिय कुल कहा जा सकता है, किंतु साथ ही वह भक्ति प्रधान था। मेरे परदादा का नाम सुखानंद था। वह सचमुच सुख और आनंद की ही मूर्ति थे। मैंने अपने पिताजी से सुना था कि उनका चित्त हर समय प्रसन्न तथा उनके मुख पर शांति और कांति का मेल रहता था। पहले तो वह किसी पर क्रोध करते ही न थे, परंतु यदि किसी व्यक्ति के दुर्व्यवहार पर उनको ताड़ना करते थे तो भी उनके मुंह से दुर्वाक्य कभी ना निकलता। कहते तो क्या कहते, स्याणा क्या धर्म ते डिग गया है, अर्थात सयाने क्यों धर्म से डिग गया है। सबसे बड़ी गाल सयाना कहना था। लाला सुखानंद के पांच पुत्र थे। पहला लाला कन्हैया लाल, दूसरा हीरानंद, तीसरा माणिक चंद, चौथा गुलाब राय, पांचवा महताब राय। लाला कन्हैया लाल राजा कपूरथला की ओर से पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में वकील एलची बनकर रहते थे। उनकी बात महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ चलती थी। लाला कन्हैया लाल ने एक शिवालय बनवा दिया था जिसमें उनके पिता सुखानंद जी रहते थे और वहीं नियम पूर्वक दोनों समय शिव पूजा करते थे। मेरे दादा लाला गुलाब राय भी हरिभक्त में रत थे। नित्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते और सुखमणि तथा भगवद गीता का पाठ करते, फिर कबीर तथा अन्य भक्तों के शब्द गाते रहते। कपूरथला में
वह रानी हीरा देवी के मुख्तारकार थे और जब महाराजा नौनिहाल सिंह की गद्दी नशीन होने पर रानी साहेबा अपने दोनों पुत्रों सरदार विक्रम और कुंवर सुकेत सिंह सहित जालंधर में आ बसी तो मेरे दादा भी उन्हीं के साथ चले आए और महाराजा नौनिहाल सिंह के दिए प्रलोभनों की परवाह ना की। गुलाब राय जी बड़े स्पष्ट वक्ता थे। जिस समय वह 4 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर पाठ आरंभ करते और पंचम स्वर में भजन गाते तो सरदार विक्रम सिंह की नींद खुल जाती। तंग आकर उन्होंने एक दिन कहा, लाला जी क्या आप परमेश्वर का नाम मन में नहीं ले सकते? उत्तर मिला, मेरे मन में तो हरदम परमात्मा बसते हैं, परंतु जो मूढ़ जन अमृत बेला में बेहोश सोए रहते हैं उन्हें सचेत करने के लिए उच्च स्वर से भजन बोलता हूँ। ऐसे निर्भय वीर ईश्वर भक्त के घर मेरे पिता नानक चंद्र का जन्म हुआ। वह अपने 6 भाइयों में सबसे बड़े थे। छुटपन में ही शिव पूजा अपने दादा सुखानंद से सीख इन्होंने भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा आरंभ कर दी थी। वह पूजा जो 14 वर्ष की आयु में आरंभ हुई तो 56 वर्ष की आयु तक अर्थात मृत्यु पर्यंत बराबर चलती रही। मुहफट यह भी अपने पिता की तरह ही थे। कर्पूरथला में थानेदार जी से वजीर दानिशमंद के साथ कड़ी बातचीत होने पर त्याग पत्र दे दिया। फिर सियालकोट में ठगी डकैती महकमे में खजांची का चार्ज लिया। वहां भी अंग्रेज हाकिम को खरी सुनाकर नौकरी छोड़ा। फिर अमृतसर की तहसील में मुहासिब बने। शोभाराम लगड़ा तहसीलदार था, उस पर घूस का मुकदमा चला। जहां सारी तहसील मौकूफ हो गई वहां मेरे पिता के विरुद्ध एक भी गवाह न खड़ा हुआ। परंतु वह उदास हो फिर त्याग पत्र देकर घर चले आए और कुछ दिन वहां की ही पूजा पाठ में लगे रहे। फिर लाहौर में जाकर चौकीदारों की बख्शी नियत हुए। लाहौर जाने से पहले मेरे पिता बिना 1 पैसा दादाजी से लिए सारे परिवार से अलग हो गए। एक दालान कोठरी लेकर माताजी को बच्चों समेत उसमें रख दिया। बड़ी बहन के विवाह की तैयारी थी और उसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता थी। लाहौर में वेतन इतना ना था कि परिवार का गुजारा करते हुए अपनी पुत्री का विवाह पर करतूत से ना गिर जाए। इधर विवाह में नाक कटने का डर और उधर संवत 1914 विक्रमीय का विप्लव, जिसे गोरों ने गदर की उपाधि दे रखी थी। पिताजी ने एक काने टट्टू पर जीन डालकर परमेश्वर का नाम ले दिल्ली का रास्ता पकड़ा। भाग्य की सहायता से हिसार नगर की शहर पनाह के अंदर उस दिन प्रवेश किया जब बागियों ने गढ़ हिसार को घेर रखा था। एक सिख सरदार भी 200 सवारी का दस्ता लेकर उस सरकार की जड़ें भारतवर्ष में दृढ़ करने जा रहे थे जिसने कुछ वर्ष पहले ही पंजाब को दास बना लिया था। सरदार साहब ने घोड़ों को शर्फ पनाह के अंदर 3 चक्कर दिलाकर जो हमला किया तो बागियों के छक्के छोड़ गए और मेरे पिताजी ने एक चौधरी के घर ब्रह्मभोज का सामान बनता देख उसे इस बात पर राजी कर लिया कि पूरी कचौरी हलवा भाजी बना बनाया पकवान नए जंगी बेड़े की भेंट कर दें। सरदार साहब तो रण में विजय प्राप्त करके लूट मार रूपी इनाम लेने के लिए दिल्ली चल दिए और पिताजी हिसार के बागी कोतवाल की जाल किरिच संभाल कर बागियों को फांसी दिलाने के शुभ काम पर तैनात हुए। यहाँ रिश्वत की कमाई से न केवल पुत्री के विवाह के लिए पर्याप्त धन ही घर भेज दिया प्रत्युत घोड़े खरीद और अपने परिवार के 25 व्यक्तियों को रिसाले के छोटे अफसर बना और 75 जाटों को घुड़सवारी के लिए साथ लेकर मेरठ पहुंच गए। वहां रिसालदार नियत होकर पहला शुभ काम यह किया कि 3 महीनों में सहारनपुर के सारे जिले के हथियार ले लिए और उस जिले के गले में सदा के लिए गुलामी का तौक पहरा कर नेपाल के तराई में मेला घाटी की कड़ाई का जा छापा मारा। वहां भी पूजा पाठ ना छूटा। नदी के पास ही कैंप था, उस पर बागियों की बाढ़ दूसरे किनारे से फेंकी जाती थी, परंतु रिसालदार साहब के लिए एक घड़ा पानी का गजरदम ही आ जाता था और वहां नहाकर पूजा कर लेते, फिर कुछ खाकर दिन भर के लिए कमर कसकर लहस हो जाते। मेला घाट पर विजय प्राप्त कर बेड़ा बास बरेली में आ पड़ा। वहां मिलिट्री पुलिस के सब रिसाले तोड़ दिए गए और मेरे पिताजी को अपने भाइयों और संबंधियों सहित सिविल पुलिस में तैनाती मिल गई। मेरे पिताजी को कहा गया था कि या तो 1200 बीघे भूमि इनाम मिले अथवा पुलिस इंस्पेक्टर का पद स्वीकार करें। अपने देश की लोकोक्ति है कि खेती उत्तम, व्यापार मध्यम और चाकरी सबसे निकृष्ट काम है, परंतु जिस समय पिताजी के सामने दोनों इनाम रखे गए उस समय नौकरी से बढ़कर अन्य कोई भी प्रतिष्ठित काम नहीं समझा जाता था
और फिर क्षत्रिय के लिए तो चाकरी हुकूमत की कलूगी समझी जाती थी, खेती तो रजील पेशा समझा जाता था। फिर पिताजी जमीन कैसे कबूल करते, इंस्पेक्टर साहब बन गए और पुलिस लाइंस का चार्ज ले लिया। शीर्षक, बालकपन गया खेल कूद में। मेरी आयु 3 बरस की हो चुकी थी जब मेरी माता मुझे और मेरे 2 भाइयों को साथ लेकर बरेली पहुंची। बरेली में 3 वर्ष खेल कूद में व्यतीत हुए। मेरे दोनों भाई तो मौलवी साहब से पढ़ने लगे, किंतु मैं खुले मैदान में घूमता और सारी पुलिस लाइन से लाड़ लड़ाया जाता रहा। पिताजी ने मुल्ला जी से ही सब कुछ पाया था। अंग्रेजी शिक्षा का अभी नमूद ही होने लगा होगा और बरेली का संस्कृत के साथ कुछ संबंध ही न था। मुसलमानों की वहां पूरी बादशाहत थी। मेरे भाई धोखते धोखते थक जाते और मौलवी साहब के सामने फिर भी सबक अर्थात पाठ पूरा ना सुना सकते। मैं वहीं फटाफट सुना देता। पिताजी ने मुझे यह बतलाया था कि मैं उस आयु में भी पर्यायवाची शब्द जोड़कर अन्वय अपना बना लिया करता था। हम 3 भाइयों के मनों और शरीरों की रक्षा करने वाला कोई न था। मैं तो सचमुच खुदरों वृक्ष की तरह स्वयं ही बढ़ता रहा। हाँ, एक दृश्य मुझे स्मरण है जो माता के अगाध प्रेम को ही प्रकाशित नहीं करता प्रत्युत मातृशक्ति के स्वाभाविक विकास को भी प्रकट करता है। सायंकाल का समय था। मेरे छोटे मामू जो पुलिस में ही सवार थे होली का मेला देख शहर से लौट आ रहे थे। घोड़ी अठखेलियां करती चली आ रही थी। मेरी दृष्टि उन पर पड़ी तो विचित्र दशा थी। पगड़ी गले में लटका रखे थे, शरीर एक ओर झुक रहा था। गिरने को ही थे कि एक भृत्य ने उन्हें उतार लिया। 2 आदमी आश्रय देते हुए पिताजी की कोठी के आंगन में ले आए और चारपाई पर लिटा दिया। अन्य पुरुषों के बाहर जाते ही माताजी कमरे से निकली। भाई को विचित्र दशा में बेहोश देखा। चिकन जाले की कुड़ती और तंजेब का कुर्ता पारा पारा है। पगड़ी धूल में लिपटी हुई है। मट्टी और होली के लाल रंग के मेल ने विचित्र दशा बना रखी है। प्रातः जो मुख कमल की तरह खिला हुआ था वह अब कुमला ही न गया, डरावना भी प्रतीत होता है। हाथ पैर चारपाई पर पटके जा रहे हैं। पान के गुलमुह से निकलकर दाढ़ी पर बह रही है और सारे शरीर से दुर्गंध फूट फूट कर निकल रही है। माताजी ने बाहर आते ही शराबी के सिर पर पानी डलवाना आरंभ किया। मैं चारपाई के पास खड़ा था। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही माताजी के मन का भाव बदल गया। मुझे झट गोद में उठा लिया और घबराकर नौकरों से कहा, इसे क्यों यहाँ आने दिया। भृत्य अभी उत्तर देने को ही था कि मुझे बगले के कमरे में ले गई और प्रयत्न करती रही कि मैं उस दृश्य को भूल जाऊं। मैंने कुछ प्रश्न भी किया था जो स्मरण नहीं रहा, परंतु माताजी ने मेरा ध्यान दूसरी ओर खींचकर खेल में लगा दिया। माताजी सर्वथा अनपढ़ थीं। शिशुपालन तथा आचार शास्त्र की शिक्षा उन्हें पुस्तकों से नहीं प्राप्त हुई थी, परंतु मातृशक्ति के अंदर जो स्वाभाविक अगाध प्रेम परमात्मा ने उत्पन्न किया है उसने उन्हें अपनी संतान की रक्षा का ज्ञान दे रखा था। आज उस समय का स्मरण करके मन ही मन मैं पश्चाताप करता हूँ कि माता की विद्युत रूपी स्वाभाविक शिक्षा को 2 अक्षर पढ़ लेने के अभिमान में फंसकर मैंने अपने आगे के जीवन में क्यों उपेक्षा की दृष्टि से देखा। बरेली से 1 दर्जा उन्नति पाकर मेरे पिता बदायूं बदल गए। वहां भी मुझे 3 वर्ष रहना पड़ा। स्वच्छंद घूमने की यहाँ भी स्वतंत्रता थी। मुझे याद है कि पिताजी के साथ अकेला ही होने के कारण जब दिन को वह कचहरी में कोर्ट इंस्पेक्टर के काम पर चले जाते तो मैं भी कचहरी की गश्त लगाता। फौजी सलाम मैंने बरेली में ही सीखी थी। सब रिश्तेदार तथा मुहर्रिर उस सलाम की फरमाइश करते और पुरस्कार में मुझे कागज और कलम देते। कलम मुझे बनी बनाई मिलती थी और मसी पात्र अर्थात दवात घर से लेकर कागज पर लिखते रहना मेरी आदत हो गई थी। एक दिन पिता ने मुझे संजीदगी से एक पुस्तक की जिल्द पर कागज रख कर लिखते देख मेरा कागज का सारा कोश छान मारा। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने फारसी हरूफ बने हुए पाए। अरे यह कहाँ से सीखा। जब पास ही करीमा और खालिक बारी के पन्ने पन्ने अलग देखे तो मालूम हुआ कि मक्खी की मक्खी मारते हुए मैं डार्विन के सिद्धांत का क्रियात्मक प्रमाण दे रहा हूँ और मनुष्य को नकल करने वाले बंदर की औलाद सिद्ध कर रहा हूँ। बदायूं में कोर्ट पुलिस इंस्पेक्टर को बहुत काम करना पड़ता था। यह लोकोक्ति उस समय प्रसिद्ध थी, पाओ बदोवा लीजे साथ तब करिए झगड़े की आस। बदायूं के जात शरीफ दूर दूर तक
के मुकदमे लड़ते थे, फिर अपने जिले में तो उन्होंने उधम मचा ही रखा होगा। ब्रिटिश राज्य के पहले रुहेलखंड निवासी रुहिल्ले युद्ध में निपुण थे और उनका असर कायस्थ और बनियों तक पर पड़ चुका था। अंग्रेजी सरकार ने उसका ध्यान मुकदमेबाजी की ओर खींच दिया। तब हाकिम उनसे निश्चिंत हो गए। लाहौर जिले के प्रथम बंदोबस्त की रिपोर्ट में मैंने यही लिखा देखा था, मोहतमिम बंदोबस्त ने परमेश्वर का धन्यवाद किया था कि लड़ाकों सिख जाटों की कौम मुकदमेबाजी में मग्न हो रही है, इसलिए उनसे कोई भय नहीं रहा। बदायूं से शायद संवत 1922 के अंत में मेरे पिता की तब्दीली एक दर्जा उन्नति के साथ काशी बनारस के जिले में हो गई। शीर्षक है, काशी में प्रथम एक वर्ष का निरंकुश जीवन। काशी में पहुंचा पहला अनुभव छूत छात के भूत का हुआ। मेरे पिताजी जो विजिटिंग पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनका काम काशी नगर से बाहर के थानों का निरीक्षण और उधर के ही बड़े फौजदारी मुकदमों की तहकीकात करना था। कर्तव्य पालन के लिए उन्हें प्रायः शहर से बाहर रहना पड़ता था। मकान बड़ा था, इसलिए माताजी ने एक पंजाबी परिवार को बिना किराए पर बसा लिया। उस परिवार की गृह पत्नी का नाम निहाल देवी था। उसने काशी से छूत छात की नई शिक्षा ली थी। मेरे और मेरे बड़े भाई का नाक में दम कर दिया। पूस मास का जाड़ा और हमें हुक्म था कि सर्वथा नग्न होकर शौच जाएं और नहाकर धोती पहने। यदि पैर मोरी पर पड़ गया तो फट नहाने की आज्ञा, यदि चलते फिरते कहीं छींटा पड़ गया तो कपड़े धो डालने का नादिरशाही हुक्म। एक दिन सायंकाल खेलते कूदते मेरा पैर एक मट्टी के चिराग के ठीकरे से छू गया। निहाल देवी ने शोर मचा दिया, छू गया, नहलाओ नहलाओ। माताजी कोई बड़ी आपत्ति समझकर दौड़ाई। पूछने पर निहाल देवी ने कहा कि चिराग कौवा लेकर उड़ गया होगा, इससे छूटकर गिरने पर ही तो ठीकरी ठीकरी अलग हो गई है, इसलिए नहाना आवश्यक है। गर्म पानी करके मुझे नहला तो दिया, परंतु माताजी ने दूसरे दिन ही निहाल देवी को दूसरे घर में चले जाने के लिए बाधित किया। वह बड़ा मकान छोड़ माताजी लाहौरी टीले के एक मकान में जा रही। यह मकान बड़ा मकान, बड़ा हवादार, चारों ओर से खुला हुआ था। काशी में शेष 250 बरस उसी मकान में व्यतीत हुए। मैं अभी तक नियम पूर्वक पढ़ाई में नहीं लगा था, सुना सुनाया कट करने से ही काम था। एक दिन पिताजी मामले की रिपोर्ट लिख रहे थे, मैंने शोर मचाया, पिताजी ने झिड़क दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। सीढ़ी पर चढ़ने वालों के सहारे के लिए रस्सी लगा रखी थी, मैंने गले में रस्सी डालकर धमकी दी कि फांसी लगा लूंगा। पिताजी ने एक थप्पड़ लगाया और रस्सी से छुड़ाकर घसीट लिया। यह पहला अवसर था कि मुझ लाडले को किसी ने मारा हो। रोते रोते मेरी घिघी बन गई थी। माताजी ने बाहर से आकर गोद में ले लिया। जो सुख उस समय मिला उसका वर्णन कोई कभी ही कर सकता है। गुरु बिन जान न पाए भोला चेला। अब शीर्षक है पठन पाठन का आरंभ। अब तक जो कुछ सीखा निगुरा रहकर ही सीखा था, उस वैरागी की तरह जिसने सारी गीता रगड़ मारी और गुरु एक भी न बनाया। मैंने भी जहाँ पंजाबी स्त्रियों के मुख से काशी महात्म सुनाकर उन्हें कंठ कर लिया था, वहाँ पिताजी के नित्य पाठ के स्त्रोत्रों के कुछ भाग भी कट कर छोड़े थे। परंतु संवत 1930 के आरंभ में मुझे यज्ञोपवीत पहनाने का विचार चला। उसमें एक कठिनाई बाधक प्रतीत हुई। गुरुकुलों की प्रथा तो हजारों वर्षों से बंद हो चुकी थी, यज्ञोपवीत संस्कार का नाटक ही रह गया था। फिर यज्ञोपवीत पहनाया जाता था और वेदारंभ की विधि भी हो चुकी थी तो ब्रह्मचारी कोपीन दंड धारण करके भिक्षा ले काशी पढ़ने के लिए जाने की तैयारी करता। उस समय बहन की आवश्यकता पड़ती। नवीन ब्रह्मचारी जब कहता कि मैं काशी पढ़ने के जाऊंगा तो बहन बाह पकड़कर कहती है, भाई तुझे यहाँ ही पढ़ा लेंगे। और भाई इतने पर लौटता और उसी दिन उसका समावर्तन संस्कार भी हो जाता। परंतु मेरी सगी बहन काशी में एक भी ना थी, यह धर्म की बहन बनाई गई। काशी में तो मैं रहता था ही, तब वहाँ से विद्योपार्जन के लिए कहाँ जाना था। मुझसे कहलाया गया कि मैं कश्मीर पढ़ने के लिए जाता हूँ। काशी और कश्मीर दोनों ही विद्या के केंद्र समझे जाते थे। बहन लौटा लाई, पिताजी ने इतना हौसला दिखाया कि समावर्तन की विधि ना करवाई और एक पंडित को पढ़ाने के लिए नियत करके देवनागरी अक्षरों का अभ्यास और आर्य भाषा की पढ़ाई आरम्भ करा दी। इन्हीं दिनों पिताजी को शिव पूजा करते देख हम दोनों भाई एक उजड़े मंदिर से शिवलिंग उठा लाए और पिताजी के अनुकरण में स्नान करा के उस पर पुष्प बेल पत्र चढ़ाने और धूप दीप और नैवेद्य दैवार्पण करने लग गए।
पंडित महाशय ने हमें किसी नियम में ना रखा। पिताजी कहीं रात की गश्त में एक विद्यार्थी को खूंटी में चोटी बांधकर पढ़ते देख आए। विद्यार्थी ने पूछने पर बतलाया कि जब उसको ऊंघ आ जाती है तो चोटी पर झटका लगते ही जग कर वह फिर पढ़ने लग जाता है। तब पिताजी ने हमें हिंदी पाठशाला में भर्ती करा दिया। नैतिक पाठ तो मैं पाठशाला में ही समाप्त कर आता और घर आकर पिताजी की तुलसीकृत रामायण ले बैठता। सवा डेढ़ वर्ष तक पढ़ाई का यह क्रम चला और फिर मेरे पिताजी की बदली जिला बांदा प्रांत बुंदेलखंड को हो गई।